हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो यहाँ पर मैं मेन गेट खोल रही हूँ सुबह सुबह, लगभग अभी 5:15 हो रहे हैं और रियांश की बहन आ चुकी है एंड वो क्या कर रहे, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। रियांश वहाँ पे रेडी होकर बैठा हुआ है, बहन आ चुका है। देखो चलो चलो बहन, देखो आवाज़ नहीं आ रही, हम मोबाइल लेकर चलेंगे। नहीं मोबाइल लेकर चलो, चलो रियांश अरे मोबाइल रुको, मोबाइल रखो बेटा, चलो बैग बैग पकड़िए, बैग एंड गाइस दोनों बच्चों का स्कूल अलग है इसलिए टाइमिंग भी अलग है। रियांश पहले स्कूल जाता है एंड मीठी 6:30 बजे निकलती है वो, और उसको टिफ़िन मैंने आज दिया है वेज बिरयानी जिसमें आलू मटर सोयाबीन फुलकोबी हल्का सा मैंने वेजिटेबल देके बनाया हल्का हल्का, और रियांश का भी लंच यही था। तो मैं यहाँ पर रियांश को भेजने के बाद फिर मीठी का टिफ़िन और पानी वगैरह बैग में रख रही हूँ उसका, और ये मेरा पर डे का रूटीन रहता है दोनों बच्चों का, बैग पैक करना, टिफ़िन लंच और पानी वगैरह रखना। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग हो चुकी है और अभी सूरज भगवान नहीं निकले हैं, कुछ देर में निकल जाएंगे। और रियांश अभी जा चुका है स्कूल, अब मैं तोड़ूंगी फूल वगैरह पूजा के लिए। तो चलिए पूजा के लिए पहले मैं फूल तोड़ लेते हैं, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइस यहाँ पे चाची जी आई हुई है फूल लेने के लिए, एक्चुअली चाची जी रोज़ आती है मेरे यहाँ पूजा के लिए फूल लेने के लिए। कमेंट हो रहा है कमेंट, चाय बनाने के लिए मॉर्निंग का, और यहाँ पे मिट्टी अपना कर रही है ब्रेकफास्ट, जा रही है स्कूल, रियांश जा चुका है स्कूल, और ये तूफान मेल चला कर नाश्ता कर रही, और ऊपर बिना लाइट का पंखा चल रहा है। आपको दिखाते हुए ये रियांश का काम है, बियर बनाया है बियर, देखिए बियर का फेस आई हैंड और नीचे लेग बैठा हुआ है बियर, कितना खूबसूरत। तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग, होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं लक्ष्मी एक और न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सुबह सुबह मॉर्निंग टी, और आज मैं कोई भी मसाला वगैरह नहीं डालूँगी क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि सिंपल आज पीने का मन, अदरक वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही हूँ। और चाची जी आई हुई है तो उनके लिए भी मैं चाय बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देने जा रही हूँ अपने हस्बैंड को और चाची जी को पानी, और उसके बाद चाय। मैं यूट्यूब फैमिली में आपसे एक बात यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ, जब आप कोई नई शुरुआत करते हो अपने लाइफ में अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए, तो आसपास के बहुत सारे लोग ना तरह तरह के कमेंट करते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट करते हैं, कोई नेगेटिव कमेंट करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं पॉजिटिव छोड़ के नेगेटिव कमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और नेगेटिव बातों पे ध्यान देकर जो भी अच्छा चल रहा होता है उसको भी ख़राब कर देते हैं, और जो कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम लोग को लगता है कि वो भी ख़राब ही चल रहा है। तो गाइज आपको जो सही लगता है आप अपनी खुशी के लिए जो आपको अच्छा लगता है आप वो करो, भगवान तो ऊपर से देख ही रहे हैं, और जो पीठ पीछे कमेंट करते हैं वो एक दिन खुद आपकी तारीफ भी करेंगे। तो यहाँ पे हम सभी चाय को इंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद मैं जाऊंगी ब्रेकफास्ट का तैयारी करने के लिए, सब्जी मैं बना लूँगी, आटा गूंद कर रख दूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करूँगी, और उसके बाद मैं जाऊँगी साग वगैरह लेने के लिए। तो नाश्ते में बना लूँ बैंगन आलू मूली टमाटर की सब्जी, और आटा मैंने गूंद लिया है साथ ही साथ, और सब्जी मेरी हो चुकी है और आटा मैंने गूंद के रख दिया है। तो अब मैं थोड़ा सा क्लीनिंग कर रही हूँ जो मेरा बेसिक का पर डे का क्लीनिंग होता है। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, अगर आप थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग पर डे करोगे ना तो आपका पूरा घर साफ़ सुथरा रहेगा। अगर आप एक बार में सोचोगे कि नहीं 15 दिन के बाद करना है, 1 महीना हो जाएगा तब करना है, तो ऐसा ना टाइम भी ज़्यादा लगता है और मेहनत भी ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर पर डे आप थोड़ा थोड़ा जगह पर कहीं कहीं क्लीनिंग करोगे तो आपका पूरा घर साफ़ सुथरा रहता है। तो मैं यहाँ पर क्लीनिंग कर रही हूँ, और आज मैं अपने व्लॉग में थोड़ा सा क्लीनिंग वीडियो आप लोग से शेयर कर रही हूँ।
तो मेरा डस्टिंग का काम प्रॉपर फिलहाल हो चुका है, जो बेसिक मैं पर डे करती हूँ। और ये रूम लग रहा है अब क्लीन और हल्का। और यहाँ पर दूध वाले भैया आ गए थे दूध लेकर, तो मैं सोची थी अब दूध बॉईल कर ही लेती हूँ, उसके बाद शावर वगैरह लेने जाऊँगी। तो यहाँ पर मैं दूध बॉईल कर रही हूँ, गर्मी के टाइम में ज़्यादा देर हो जाता है तो फिर दूध से ना स्मेल आने लगता है। तो गाइस मैं जस्ट वही बात लेकर आई हूँ और जा रही हूँ अपना मॉर्निंग स्किन केयर करने। तो मेरा मॉर्निंग स्किन रूटीन क्या है चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज कर रही हूँ गुलाब जल, ऐसे मैं कभी कभी टोनर भी यूज करती हूँ लेकिन अभी फिलहाल मैं गुलाब जल यूज कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर प्लम का सीरम यूज कर रही हूँ, विटामिन सी सीरम। ये मुझे कुछ ही दिन हुए हैं, 15-20 दिन। अगर मुझे ये ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा तो मैं इसका डिटेल आपसे जरूर शेयर करूँगी। एंड उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ सनस्क्रीन, एंड उसके बाद ये लिप मॉइस्चराइजर फेस ब्यूटी का। सो गाइस मैं रेडी हो चुकी हूँ और यही है मेरा मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन फिलहाल अभी का। तो चलिए मैं जाती हूँ पूजा करने की, और पूजा करने के बाद मैं मिलती हूँ आपसे। ओके सो गाइस यहाँ मैंने पूजा भी कर लिया है, आप देख सकते हैं दीप चल रही है और अभी जस्ट मैंने पूजा किया है। तो जस्ट मैंने पूजा कंप्लीट किया है, पूजा मेरी हो चुकी है और मुझे लग रही है कस की भूख। एक मिनट, मैं जा रही हूँ अब नाश्ता करने के लिए, मुझे कस की भूख लगी हुई है। पूजा मेरी हो चुकी है तो नाश्ता मैंने बनाया पराठा बैगन आलू मूली की सब्जी। तो चलिए पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। ओके नाश्ता करने के लिए बैठ गई हूँ और ये है मेरा नाश्ता। देखिए मैं बैठा, मैं आराम से इंडियन मतलब जो होता है हम लोग यहाँ पैंथी मारकर आराम से बैठ चुकी हूँ। और ये मेरा नाश्ता, रोटी मूढ़ी थोड़ा सा अचार बैगन आलू मूली की सब्जी साथ में पानी। अपने हस्बैंड के लिए पराठा बनाया था, मैं रोटी खाती हूँ और यहाँ पर मैं टीवी देख देख कर इंजॉय करके रिलैक्स होकर नाश्ता का लुत्फ़ उठा रही हूँ। पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ रिलैक्स होकर, क्योंकि फिर डांस करने का टाइम हो जाएगा और वो आ जाएगा तो उसके बाद तो घर में हंगामा शुरू ही शुरू है। लेकिन उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। मेरे हस्बैंड भी नाश्ता करके स्कूल जा चुके हैं क्योंकि उनका 9 बजे का टाइम रहता है, तो मैं आराम से बैठ के सो गया। नाश्ता वगैरह हो चुका है मेरा, तो ये आलस आ रही है, मन कर रहा है कि सो जाओ, लेकिन आज के आने का टाइम है तो मैं सो नहीं सकती हूँ। तो सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय हो जाए, तो चलिए फिलहाल तो मैं अकेली हूँ तो अपने लिए कड़क चाय बनाई जाए, ग्रीन टी ज़्यादा बेटर रहेगा। और मुझे कपड़े वगैरह भी देना है, धूप में कपड़े वॉश हो चुके हैं मशीन में। पहले मैं अपने लिए ग्रीन टी बना लेती हूँ। तो अब मैं रिलैक्स होके ग्रीन टी को एंजॉय करनी होगी। अब मैं रिलैक्स होकर बैठ चुकी हूँ आराम से और अपना ग्रीन टी को एंजॉय कर रही हूँ। और सुबह के जितने मेरे सारे काम थे हो चुके हैं, क्लीनिंग वगैरह, डस्टिंग वगैरह, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े वगैरह, कपड़ा को सिर्फ ठंड में देना है। नाश्ता वगैरह हो चुका है सबका, सब बच्चे स्कूल जा चुके हैं दोनों, मेरे हस्बैंड स्कूल जा चुके हैं, डांस आधा घंटा में आ जाएगा। और इससे पहले मैं वेजिटेबल वगैरह काट लूँगी, मैं लंच का प्रिपरेशन कर लूँगी, चावल दाल वगैरह वॉश करके रखूँगी, वेजिटेबल कट करके वॉश करके रखूँगी। और जब रियाज आएगा तो उसे फ्रेश वगैरह करके उसको स्नैक्स खिला दूँगी, उसको 10 मिनट टाइम दूँगी, उसके बाद फिर खेलूँगी थोड़ा सा, तब उसके बाद मैं लंच बनाने के लिए जाऊँगी। तो गाइस आप धूप देख सकते कितनी करी है और मैंने सारे कपड़े दे दिए हैं धूप में फिलहाल। सो गाइस रियांश को फ्रेश वगैरह करने के बाद उसको स्नैक मैंने खिला दिया और यहाँ मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो यहाँ मैंने चावल वॉश करके रख दिया है, दाल वॉश करके रख दिया है, साथ में करेले की भाजी मैं बना रही हूँ और फूलगोभी आलू की भाजी और साथ में कद्दू की कोफ्ता की सब्ज़ी। तो यहाँ मैं चाय बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड को चाय पीना था हाफ कप, तो मैं फिर से यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए चाय बना रही हूँ, हाफ हाफ कप हल्का सा। तो
बस यहाँ पे मैं उसके बगल में करेले की भाजी रेडी कर रही हूँ और एकदम करारा फ्राई में कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कितना टेस्टी एंड डिलीशियस लग रहा है। तो ये करेले की भाजी रेडी हो चुकी है और इसी ऑयल, जो बचा हुआ ऑयल था, उसी ऑयल में मैं फूलगोभी आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। मैं जो एक बार में पूरा तड़का लगा कर एक बार में डाल देती हूँ। मैं किस तरह से दाल बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो बस इसमें मैंने जीरा तथा मिर्च का छौंक लगाया और ये हल्दी नमक डालकर मैं भुजिया को अच्छे से फ्राई करूँगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ और ये गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जितना सिंपल आप बनाओगे ना उतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये गर्म हो चुकी है, मैं यहाँ पर जीरा डाल रही हूँ और ये है अदरक लहसुन और मिर्च को मैंने बारीक काट लिया और टमाटर को पहले मैं ये डालूँगी। ये हल्का से ब्राउन हो जाएगा उसके बाद फिर मैं टमाटर ऐड करूँगी। फिर इसमें मैं अब डाल रही हूँ ये टमाटर। क्या टमाटर अच्छे से गल गए हैं उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है दाल, पानी, हल्दी, नमक और बस इस तरह से मैं इकट्ठे जो है सब चीज़ छौंक कर सीटी लगा देती हूँ, मतलब ढककर कुकर का, और बस 4 से 5 सीटी आने तक दाल अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ पर फूलगोभी आलू की भाजी भी बन चुकी है, मैंने अलग बर्तन में उसको निकाल दिया और उसी कढ़ाई में मैं कद्दू की कोफ्ते की सब्ज़ी बना रही हूँ और आपसे शेयर करती हूँ इसका रेसिपी। तो पहले मैंने ऑयल डाला, ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें मैंने तेज़पत्ता, जीरा और प्याज डालकर उसको भूना। उसके बाद मैंने इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर हल्दी नमक, उसको मैंने अच्छे से भूना और उसके बाद मैंने इसमें डाला जीरा मिर्च धनिया का पाउडर और उसको अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद, भून जाने के बाद मसाला को उसमें मैंने पानी ऐड किया और बस इसको एक बॉयल आने तक फिर मैंने इसमें लो फ्लेम कर दिया और इसको साइड में मैंने रख दिया है। और यहाँ कोफ्ते की मैं तैयारी कर रही हूँ। पहले मैंने कद्दू को छोटे छोटे पीस में बॉयल कर दिया, कुकर में ही मैंने पकाया है अधपका, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से पानी निचोड़ कर निकाल लिया है और उसमें मैंने ऐड किया लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी, नमक, प्याज और मिर्च बारीक कटा हुआ और बेसन, उसको मैंने मिक्स करके यहाँ कचरी के शेप में मैंने उसको तल लिया। एंड गाइस कोफ्ता बनाने वक्त आप उसमें मंगरेला और अजवाइन भी डाल सकते हो, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन इसलिए मैंने नहीं डाला और उससे टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो कोफ्ते मेरे रेडी हो चुके हैं तो अब मैं इसे करी में ऐड करूँगी और ऐड करने के बाद उसमें मैंने गर्म मसाला ऊपर से डाला है और 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाया है। तो ये फाइनल लुक कोफ्ता का। तो गैस मैं मिलूँ आपसे डायरेक्ट शाम में, लंच मैंने गरम गरम बनाया और फिर मैंने लंच किया और हम लोग, मैं और रियान स्नैप लिए मीठी जा चुकी थी कोचिंग और मेरे हस्बैंड भी स्कूल चले गए थे खाना खाने के लिए। वो घर आते हैं उसके बाद फिर वो स्कूल चले जाते हैं, फिर 4 बजे शाम में ही आते हैं। तो मैं यहाँ सारे कपड़े को उतार रही हूँ और रियान को मैंने फ्रेश कर दिया है, फिलहाल अभी मैंने दूध नहीं दिया है, वो फ्रेश हो चुका है एंड यहाँ पर वो मुझे फ्लावर दे रहा था। तो यहाँ पे कैसे मैं कपड़े उतार कर तुरंत ही फोल्ड कर लेती हूँ। ऐसे अपना मतलब फोल्ड कर दोगे ना तो फिर रख दोगे तो लगेगा कि आयरन किया हुआ है, आधा तो आयरन किया हुआ लगेगा है, लेकिन ऐसे आप रख दोगे तो फिर वो पूरा चूर चूर लगने लगते हैं। फिर फोल्ड करने के बाद भी आप फोल्ड होने तो लगे कितना चूर है और डेली उसके कपड़े मैं बहुत कम ही आयरन करती हूँ। तो बस यहाँ मैं जल्दी कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए और उसे मैं जा रही हूँ जगह लगाने और यहाँ पे फिर मैंने रियांश को दूध दिया है। कपड़े फोल्ड करने के बाद मैंने उसे दूध पिलाया और उसका फिर उसको मैंने स्टडी करवाया, स्कूल का होमवर्क, ट्यूशन का होमवर्क सारा था तो वो मैंने करवाया। तो यहाँ पे रियान से अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर रहा है और मैं इसके कॉपी में क्वेश्चन उतार दे रही हूँ। तो
गाइज़ यहाँ पे मैं रियांस का होमवर्क उतार रही हूँ। एक्चुअली इसका स्कूल का होमवर्क जो है ग्रुप में आ जाता है, व्हाट्सएप पे मैम भेज देती है, जो सारे बच्चे का ग्रुप बना हुआ है तो बस कॉपी में मैं उतार देती हूँ और वो खुद से बनाता है। वो हेल्प बहुत मुश्किल से रेयरली मेरा हेल्प लेता है, क्योंकि जो क्लास में पढ़ाया होता है उससे से रिलेटेड मैम जो है होमवर्क देती है बच्चों को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रियांस कितना क्विकली होमवर्क अपना कम्प्लीट कर रहा है। सो गाइज़ आज के लिए इतना ही बस, और आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज़ इतना लाइक बटन, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे रियांस क्या होगा बताओ तो, ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल नहीं क्या होगा, यहाँ क्या होगा, ट्रायंगल होगा या सर्कल होगा? सर्कल। गुड।